हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी ऐप चैनल पर। दोस्तों, आज के समय में पैसिव इनकम का सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी कमाते हैं उसके साथ साथ जो भी आपकी मतलब आमदनी है आज के समय में, लेकिन उसके साथ एक पैसिव इनकम का सोर्स होना ज़रूरी है। और ऐसी पैसिव इनकम जो है आप बहुत सारे रास्तों से कमा सकते हैं अलग अलग काम करके। उसी में एक चीज़ आती है कि आप अपने स्किल्स को जो है बेच करके मोनेटाइज करके पैसिव इनकम कमा सकते हो। अब ये कैसे होगा, जैसे कि आपको कोई चीज़ आती है, आपको मान के चलिए म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है ना, या फिर आपको डांसिंग आती है, या फिर आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर आप मैथ अच्छा पढ़ा सकते हैं, या फिर हो गया कि आपको फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है, तो इन सब चीज़ों को सिखा कर एक कोर्स तैयार करके आप जो है मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि आपको इन कोर्सेज को लाइव करने में मदद करेंगे। तो इसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है टीच मोर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और इस पर मैं आपको बताऊंगा कि अपना लॉगिन कैसे करना है और यहाँ पर किस प्रकार से आप कोर्स बना सकते हैं। पहले इससे थोड़े से इसके फायदे जान लेते हैं। ऑनलाइन कोर्स बनाने से क्या होगा कि आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दूसरी बात होगी कि काफ़ी सारे लोग जो है वो घर बैठे और ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग लेना ही पसंद करते हैं, जाकर के किसी जगह पर कोर्स किसी जगह पर ट्यूशन में जाकर के पढ़ना और फिर उस पर सभी को पूरी तरीके से जो है सभी पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से लोग आजकल जो है चाहते हैं कि भाई उन्हें ऑनलाइन कोर्स मिल जाए जो कि वो अपने घर पर बैठकर एक कंप्यूटर से ही सीख सकें। तो वो चीज़ आपको एक दूसरा फायदा मिल जाता है कि लोग आपको आपका कोर्स खरीदना चाहते हैं। अगर आपके अंदर सिखाने का जुनून है और आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल है तो आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि गूगल और यूट्यूब पर भी आजकल बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन सारी जो सामग्री, जैसे आपको कुकिंग सीखनी है तो सारी सामग्री एक जगह पर अवेलेबल नहीं होती, एक पूरा कंप्लीट कोर्स वहां पर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आप आधा अधूरा काम सीखते हैं। तो ऐसे समय पर आप भी चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी जानकारी आपको दे, और अगर आपको ये सारी चीज़ें आती तो आप वहाँ पर अपनी स्किल्स को बेचना भी चाहेंगे। तो बस टीचमोर इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने साइट खोली हुई है, इस साइट तक पहुँचने के लिए आपको सिंपली एक न्यू पेज हम खोल लेते हैं। यहाँ पर आप टीचमोर करके टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है टीचमोर का साइट जो है दिखाई देगा। इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करते ही आप एक इस प्रकार के पेज पर पहुँच जाते हैं, जिसमें ऊपर टीचमोर बाय टीचमिन लिखा होता है, नीचे की तरफ इनके थोड़े से जानकारी और दी होती है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो इन्होंने बोला है सेल कोर्सेज ऑनलाइन ऑन योर प्लेटफॉर्म विद टीच मोर। यहाँ पर आप वॉच वीडियो का भी ऑप्शन है, बाकी ये वीडियो यहाँ पर चालू हो जाता है जिसमें आपको सिखाया जाता है। नीचे की तरफ देखेंगे कि 5000 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है, 10000 से ज़्यादा क्रिएटर्स मौजूद हैं और 50 मिलियन से ज़्यादा अभी तक कमाई की जा चुकी है अलग अलग लोगों के द्वारा। तो शुरू करने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट फ्री ट्रायल नाउ का बटन दबाना है। वैसे ये बटन जो है यहाँ पर पहले से ही मौजूद था, तो ये बटन को दबा देना है। ये बटन दबाते ही आप देखिए यहाँ पर आपसे पहला स्टेप पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू ऑलरेडी क्रिएटिंग एंड सेलिंग ऑनलाइन कोर्स। अगर आप बेचते हैं तो यहाँ पर लिखिए, अगर नहीं तो यहाँ पर लिखिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछते हैं कि आप यूट्यूब पर आपका चैनल है या फिर नहीं है, तो जो भी आपको है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो आई डोंट करके सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। सेकेंड स्टेप में दोस्तों आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, और नीचे की तरफ आप एक पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक या तो ऑप्शन आ जाएगा आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन, और नीचे आपको यहाँ पर सिटी अपनी सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो फिर इसको तो कोई मतलब ही नहीं है चूज करके। नीचे आप यहाँ पर अपना जो है कंट्री यहाँ पर चूज कर सकते हैं, तो इंडिया ही है फिलहाल मेरा। क्रिएट माई अकाउंट का बटन दबा करके क्रिएट कर देना है अकाउंट को। नेम ऑफ योर अकेडमी, अब आप अपना यहाँ पर अकेडमी बना रहे हैं तो अकेडमी का नाम आपको कुछ देना होगा। यहाँ पर मान के चलिए मैं दे देता हूँ अपनी ऐप हमारे चैनल का नाम। तो आपको देखिए नीचे की तरफ जो है सब डोमेन भी मिल गया अपनी apps.teachmore.com, तो ये यहाँ पर सेम रहेगा। तो ये अपनी आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। नीचे सेलेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप पढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज आपको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एकेडमिक्स में ही हो। देखिए आप देखते हो एकेडमिक्स, बिजनेस, कॉलेज, कुकिंग, डांसिंग, डिज़ाइन, फिटनेस, म्यूजिक, सॉफ्ट स्किल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो मान के चलिए आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करके आप जो है क्रिएट माई अकाउंट का बटन दबा देंगे। ये देखिए आपकी एकेडमी जो है उसका एक कैटेगरी भी हो गया। कोर्स का नेम आपको क्या रखना है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं कोर्स का नेम रख देता हूँ। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, मैंने फिलहाल अपनी ऐप्स कोर्स ही रख दिया है। यहाँ पर क्रिएट माय फर्स्ट कोर्स कर देते हैं, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते थे लेकिन नीचे क्रिएट माय फर्स्ट कोर्स था तो वो मुझे बताना ही है आपको। क्रिएटिंग कोर्स जैसे ही चालू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चल रहा है क्रिएटिंग योर अकेडमी, 3 ऑफ 3 प्रोवाइडिंग, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं।
अभी आप देख सकते हैं आपका जो कोर्स है उसके अंदर आप आ चुके हैं। देखिए अपनी ऐप कोर्स, आपको कोर्स दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे पहला पेज है कंटेंट का। कंटेंट में आप देखेंगे तो नेम ऑफ द सेक्शन यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आपका आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं अपने कोर्स के, और डिस्क्रिप्शन उसका यहाँ पर डाल सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स आपको जो है इस वाले पॉइंट से मिलेगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं आपको दिखाई देगा अपनी ऐप्स कोर्स, आपके कोर्स का नाम। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने कोर्स के बारे में 140 कैरेक्टर्स में, और फुल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर भरने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप 5000 या 4000 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे कुछ एक कीवर्ड्स अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पर स्पेस के लिए अवेलेबल है, और ये सेव का बटन डाल करके आप सेव कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कैटेगरी मिलेगी, जो कैटेगरी आपने चूज करी हो यहाँ पर लिखी होगी। नीचे की तरफ आपको कैटेगरीज में नो कैटेगरी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस कोर्स लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, तो चूज लैंग्वेज यहाँ से आप कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए, कोर्स आपका किस लैंग्वेज में है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई आपने इस लैंग्वेज में जो है कोर्स बनाया है। उसके नीचे कलेक्शंस का ऑप्शन आता है। अगला पेज है दोस्तों रूल्स का, तो रूल्स पर हम चले जाते हैं। रूल्स में आप देखेंगे कि देखिए कोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन्फोर्स लेसन ऑर्डर और इन्फोर्स वीडियो वॉचिंग, ये दोनों चीज आपको यहाँ पर करके सेव करनी होगी। और नीचे आएंगे तो क्रिएट ड्रिप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर आता है प्राइसिंग, तो प्राइसिंग पर हम चले जाते हैं। प्राइसिंग पर जैसे जाएंगे देखिए प्राइसिंग कंट्री के हिसाब से होनी चाहिए, तो आपकी कंट्री यहाँ पर डाल दी इन्होंने। एंड्रॉइड के लिए कितने रुपए है, इसके लिए कितने रुपए, वो आप चूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कितने रुपए आपको डालने, जैसे 499 कोर्स बना रहे हैं। iOS के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं भाई कि आपका टीयर 1 टीयर 2 कितना रहेगा, किस प्रकार का आप कोर्स बना रहे हैं, जैसे मैंने चूज कर लिया 89 का। फिर ऐप स्टोर प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर डालनी होगी। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं वैलिड स्टार्ट डेट का ऑप्शन मिलता है कि आपका कोर्स कब स्टार्ट होने वाला है, और वैलिडिटी आपको मिल जाती है लाइफ टाइम की रखनी है, मतलब वैलिडिटी आप अपने कोर्स को कितने समय के लिए यहाँ पर रखना चाहते हैं। एक बार 500 रुपए का कोर्स किसी ने खरीदा है तो वो कितने समय तक उसका इस्तेमाल कर सके, लाइफ टाइम, एक्सपायरी डेट डालना चाहोगे, या फिर ड्यूरेशन रहेगी 3 महीने का ड्यूरेशन, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो। और नेम यहाँ से आप डाल सकते हो। ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें और मिल जाती है, जैसे मोर में फाइनल क्विज आपको मिल जाएगा, यूजर्स मिल जाएगा फाइनल क्विज के अंदर। तो देखिए जितने भी यूजर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देंगे, जितने भी यूजर्स अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सारा डेटा मिल जाता है। प्रमोशंस में जाएंगे तो यहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि भाई आपका कोर्स आपने 500 रुपये का रखा है लेकिन आप उस पर 40 रुपये 50 रुपये का डिस्काउंट देना चाहते हैं, वो स्ट्रैटेजी होती है मार्केटिंग की, तो यहाँ पर आप जो है कूपन बना सकते हैं, कोई ऐड कर सकते हैं न्यू कूपन और फिर उसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं। देखिए एडमिन रोल्स में यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास असाइन इंस्ट्रक्टर और असाइन कॉन्टेंट मैनेजर, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्लस लास्ट है सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर जो है आप अपने नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके कोर्स का नाम जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कूपन कोड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। कूपन कोड को रिस्ट्रिक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका एक्सेस जो है वो सिर्फ मोबाइल ऐप्स पर देना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ताकि साइट पर नहीं ऐप के थ्रू ही लोग आए। करिकुलम आप हाइड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, और SEO जो है यहाँ पर टैक्स उसकी परफॉर्मेंस यहाँ से इम्प्रूव की जा सकती है कन्फिगर करके। अगर आप कोर्स डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर डिलीट कोर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपने जैसे कि देखा ये एप्लीकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है, सबसे इजी मुझे अभी तक लगी अपना कोर्स यहाँ पर पब्लिश करने के लिए। अगर आप YouTube पर बनाते हैं काफ़ी इजी वहाँ पर ही पड़ता है, लेकिन YouTube एक मीडिएटर का काम करता है जिसकी वजह से काफ़ी सारा पैसा जो है वो ले लेता है। ये एप्लीकेशन में ऐसा है नहीं, यहाँ पर सारा पैसा आपके पास आने वाला डायरेक्टली आपके खाते में। आप जब चाहें इन लोगों से बात कर सकते हैं, ये लोग बिल्कुल आपसे थोड़ी दूर होते हैं, यानी कि कस्टमर सपोर्ट में आप इनसे बात कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इन ऐप नोटिफिकेशन में आप सारे स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं अपने कोर्स को, प्लस कम्युनिटी भी बिल्ड की जा सकती है यहाँ पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक एप्लीकेशन हो जाती है। अगर आपको अपना कोर्स बनाना है तो ये सारी विधि को आप इस्तेमाल करके कोर्स बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स।